देखिए ऐसा है कि मेरी जानकारी में मैं बरेली में यूपी जोड़ो यात्रा में था, तो वहाँ पर जानकारी ये आई कि नगर निगम मेरठ में यहाँ पर हमारे जो सभासदगण हैं, जो हमारे अपनी बात उठाते हैं सदन के अंदर, इनको काफ़ी मारा पीटा गया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इनको जातियों को गालियां दी इनके नाम लेकर। और वो दोनों लोग कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एक MLC हैं, भारद्वाज हैं कोई, और एक कोई यहाँ पे सोमेन तोमर हैं, मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, और मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हाथों से मार रहे हैं। ये वीडियो हम लोगों ने देखा, तो मैंने सोचा फिर यहाँ बात किया, हमारे बात हुई शर्मा जी से, हमारे सर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी से, विशाल जी से, तो हम लोग वहाँ से तुरंत चले कि भाई चलो पहले चलते हैं, क्योंकि ये नौजवान साथी जो अपनी बात मजबूती से रखते हैं सदन के अंदर और अपने उत्थान की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से इनको चल के बल दिया जाए। तो मैं लगातार 5 घंटे से चलकर आया और निश्चित आज यहाँ आकर लगा, जिस तरीके से चीज़ें ये कह रहे हैं कि हम लोग सदन के अंदर भी हमें मारा गया और सदन के बाहर भी मारा गया, तो ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है और ये गुंडे ही कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करें। योगी जी तत्काल बड़ी बड़ी बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, चलावे मंत्री के घर पर, MLC के घर पर बुलडोजर, ये मांग करते हैं, बर्खास्त करें उनको, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। ये गुंडे ही है, इस तरह से गुंडे ही होगी, ये जंगल राज कायम है, ऐसे नहीं चलने देंगे। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करेगा, हम अगर इस पर गिरफ्तारी नहीं भी, कार्रवाई नहीं भी, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर सुशील गौतम हूँ और मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दलित उत्पीड़न को लेकर 10 जनवरी को एक आंदोलन है दलित महापंचायत के नाम से, और उसमें एक इंदु शेखर का मर्डर हुआ, और आज तक 2 आरोपियों को जो मंत्री और उनके लोगों के रिश्तेदार हैं, सुनिए सर, एक मिनट, क्या कांग्रेस सिर्फ दिलासा देने के लिए आएगी या उस दलित आंदोलन में साथ देने के? सदन में आज बजट की बैठक थी, वहाँ बजट की बैठक के उपरांत साथी पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे वार्ड के, और उन प्रस्ताव को लेके पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी हो गई, आक्रोश हो गया। तो मैं और मेरा साथी पार्षद सिर्फ वहाँ दोनों का समझौता करा रहे थे बीच बचाव कि सदन की बैठक है, मर्यादा रखें, इसे आगे चलाएं, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़ो, बस इतनी बात कहते ही उन लोगों ने हम दोनों को टारगेट कर दिया। उन्होंने पता नहीं किधर से हमें धक्का मुक्की करी, फिर हमारे मतलब मारना स्टार्ट कर दिया, बस फिर उसके बाद तो पता ही नहीं, वहाँ पहले सदन में मारा, फिर बाहर रोड पे मारा, यही स्थिति रही। बड़े लोग इनमें अंदर जो थे धर्मेंद्र MLC जो हैं, जो धर्मेंद्र भारद्वाज और मान्य सोमेंद्र तोमर मंत्री,